प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। जाड़ा लाल, अच्छा हुआ तुम घर पर ही मिल गए। हाँ बोलो, जल्दी बोलो। वो क्या? ले बोलो। ओ ओ ओ खरो बबीता जी, आप हमारे घर पे सवेरे सवेरे। आइए आइए बैठिए, आइए 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 आइए। वाह मजा आ गया। बोलिए बबीता जी। जीठा जी, एक मोबाइल चाहिए था। हाँ हाँ तो बोलिए, मिल जाएगा। कौन सा मॉडल चाहिए? रेड चेरी 8400। रेड चेरी 8400। और इसका तो मार्केट में बहुत डिमांड है। आई नो, इनफैक्ट अय्यर ने कितनी जगह पे ढूंढा, कहीं नहीं मिला उनको। अय्यर भाई ये क्या कांक मा छोकरो ना गाम मा गोता गोत है? मतलब हम आपके सामने मोबाइल की दुकान खोल के बैठे हैं और आप गांव में ढूंढ रहे हैं, ये क्या अच्छा लगता है? आपके पास है? अरे बिल्कुल है, और अगर नहीं भी होता तो रातों रात कंपनी में फोन करके आपके लिए नया पीस बनवा देता। जयटालाल कितना? 28,000 का है ना? हाँ 28,000 का, लेकिन बबीता जी फोन का इतना डिमांड है मार्केट में कि लोग 5,000 रुपए एक्स्ट्रा देकर खरीदने को तैयार है। बोलो तो फिर हमको कितने में पड़ेगा? अय्यर भाई डर गए देखो। नहीं भाई नहीं, आपसे कोई एक्स्ट्रा 5,000 नहीं लूंगा, उल्टा मैं आपको कॉस्ट प्राइस में दूंगा। 28,000 बेचने का भाव है और मेरे को 27,000 में पड़ता है, 1,000 रुपए डिस्काउंट बस आपके लिए। हाँ कांजी भाई बोलो। अरे नहीं नहीं, उसको बोलो भाई एडवांस तो देना पड़ेगा। देखो भाई, रिलेशन अपनी जगह है, धंधा अपनी जगह है। नहीं वो तो व्यवहार से है ना। नहीं नहीं, मैं एडवांस के बगैर काम ही नहीं करता भाई। हाँ हाँ, उसको बोल देना। हाँ भाई बोले बोले, ठीक है। हाँ ये लो। ये क्या? 27,000। अरे यार भाई बबीता जी, ये क्या? अरे इसकी इतनी कहाँ जल्दी है? नहीं देखो जेठालाल, पैसा आज देना या कल देना, देना तो है ना? बबीता जी ये गलत है। क्या गलत है जेठालाल, पूरे 27,000 रुपए गिन लो। बबीता जी। अरे जेठा जी, क्यों इतनी तकलीफ करते हो, ले लीजिए ना। तकलीफ हो क्या? मतलब इतना परेशान मत होइए और ये रख लीजिए। आप वैसे कब तक मिल जाएगा मोबाइल? क्या है ना, मुझे जरा कलकत्ता कोरियर करना है वैसे। क्यों कलकत्ता क्यों? आज भाई दूज है ना, मैं अपने भैया को वो मोबाइल गिफ्ट करना चाहती हूँ। मतलब ये मोबाइल आपको अपने लिए नहीं चाहिए? जी नहीं। अच्छा भैया के लिए। राइट। लो बोलो, बबीता जी को इम्प्रेस करने के चक्कर में सुबह सुबह 6,000 का घाटा हो गया। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बाहर आना। मैं काम करता हूँ, मैं दोपहर को दुकान से मोबाइल घर पे मंगवा लेता हूँ, आप घर से ले लेना। ओके ठीक है। ठीक है ओके, आई विल सी यू देन, बाय बाय। ओके ओके। अरे नटू काका का बोलना पड़ेगा। हेलो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, नटू काका यार। हाँ नटू काका, मैं बोल रहा हूँ। अरे सेठ जी, अच्छा हुआ आपने फोन किया। वो रेड चेरी 8400 वाला पीस मैंने चंदू भाई को देने का नक्की कर लिया है।
वो सामजी भाई से 51 रुपया ज्यादा दे रहे थे, 5051। नटू काका और चंदू भाई को ना बोल दो, क्योंकि वो फोन मुझे किसी और को देना है। क्यों सेठ जी, आपको 51 से भी ज्यादा ऑन मिल रहा है? नहीं नहीं, ऑन बॉन कुछ नहीं भाई, भाव टू भाव दे रहा हूँ। अरे क्या सेठ जी, प्रॉफिट में लॉस क्यों कर रहे हैं? अरे नटू काका, हर बार पैसे नहीं देखे जाते, रिलेशन भी कोई चीज है क्या? नहीं, और सुनो, वो फोन दोपहर तक मगन के साथ घर पे भिजवा देना, ठीक है? ठीक है बापू जी, दुकान जा रहा हूँ। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। अच्छा, ओहो बाबा, हे सर, टपके पापा, एक मिनट। अरे वाह सुंदर, तूने तो सरप्राइज दे दिया। तू जल्दी आना, मैं तेरी राह देख रही हूँ, जल्दी आ। अरे अच्छा हुआ आप दुकान नहीं गए, बापूजी सुंदर आ रहा है। अच्छा क्यों? अरे क्यों क्या, आज भाई दूज है तो बहन को मिलने के लिए आ रहा है भैया, तो बहन तो खुश होगी ही ना। तो मैं क्या कहती हूँ, आप थोड़ी देर रुक जाइए ना, सुंदर को मिलके ही जाइए, मजा आएगा। मैं मजा बाद में कर लूंगा, अभी मुझे लेट हो रहा है, मैं दुकान जा रहा हूँ। अरे वो 10 मिनट में आ जाएगा, वो रास्ते में ही आप भी पहुँचेगा। अरे पर मैं शाम को मिल लूंगा ना उसे, वो थोड़ी आज के आज निकल जाने वाला है। जेठिया, अरे भाई आज भाई दूज है, सुंदर अहमदाबाद से आ रहा है, तो थोड़ी देर रुक जा, है? साथ में खाना खाने के बाद दुकान चले जा। लेकिन बापू जी। क्या? थैंक यू बापू जी। नया साल का पहला दिन सबके लिए खुशियां लेकर आता है, मेरे लिए सुंदर आ रहा है, पता नहीं इस बार क्या टोपी पहनाएगा। अरे कोमल भाभी, भाई दूज है तो भाई आ रहा है कि नहीं आपका? नहीं माधवी भाभी, मेरे भाई भाभी के घर जा रहे हैं। ये भाई भी ना शादी के बाद बीवी के हो जाते हैं। लेकिन कोमल भाभी, हमारी ननद भी हमारे पतियों के बारे में ऐसा ही बोलती होगी। लेकिन एक बात कहनी पड़ेगी, इस मामले में हमारी दया भाभी बहुत नसीब वाली है। क्यों? अरे देखो ना, कोई भी प्रसंग हो लेकिन सुंदर भाई हमेशा आ जाते हैं। राइट। अब उड़ा लो, उड़ा लो, आ गया हमारा गुंगुल था। बात 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 बात, यही रोक दो। ये देखो, नाम लिया और आ भी गए। हाय सुंदर भाई, 100 साल छेंगे आप। क्यों? अभी हम आपको याद कर रहे थे। थैंक यू थैंक यू। कोमल भाभी कैसे हो आप? अच्छी हूँ। माधव भाभी आप भी कैसे हो? हाँ हाँ ठीक हूँ। कैसी रही दिवाली? हर साल की तरह एकदम टिप टॉप। गुड। बेना, बेना मैं आ गया। अरे सुंदर। सुंदर तू आ गया? क्यों, क्या लग रहा है? अरे आ गया तो फिर? दया भाभी आप बहुत लकी हैं। क्यों कोमल भाभी? अरे दया भाभी, सुंदर भाई तो हर प्रसंग में आ जाते, लेकिन हमारे भाई तो भाई दूज के दिन भी नहीं आए। अच्छा है। अरे माधवी बहना, मैं आपका भी तो भाई हूँ ना। सो स्वीट। अरे आप लोगों के लिए तो मैं स्पेशल गिफ्ट लाया हूँ। रियली? ओके भाई, पूछ उसको पैसे मुझे देने। भरूच की स्पेशल खारी सिंग लाया हूँ। अच्छा रियली? तो सिंग भी सिंग वाले को टोपी पहने के लाया होगा। अब सुंदर तू ठहर, हम लोग नीचे आ रहे हैं। अरे बाप रे, नीचे जाऊंगा तो टैक्सी का पैसा देना पड़ेगा। चलिए। अरे अरे क्या हुआ? पता नहीं अचानक वो नस पर नस चढ़ गई। क्या हुआ बेना जी, देखो। अरे इनके पैर की नस पर नस चढ़ गई है। मैं इनको अंदर लेके जाती हूँ, तू जल्दी से ऊपर आ। चलिए। अरे माधवी भाभी, कोमल भाभी, मैं आपको बाद में मिलता हूँ। ओके। संभल के, हे भगवान संभल के, धीरे धीरे चलिया। अरे बेटा क्या हुआ? बापूजी, बापूजी इनके पैर की नस पर नस चढ़ गई है। मैं आपके लिए लौंग का तेल लेकर आती हूँ। ए बेना,
लौंग का तेल लाने की कोई जरूरत नहीं है। बापू जी पाई लागू जी सर। ए बेना, मैं जीजा जी के पैर का ऐसा पॉइंट दबाऊंगा कि जीजा जी घोड़े की तरह थनकराने लगेंगे। अरे वीरा, तुमने ये विद्या कहाँ से सीखी? बेना तुझे पता है, पिछले साल में गिरनार की परिक्रमा करने गया था। हाँ, हाँ। वहाँ मुझे एक साधु बाबा मिला था, उन्होंने मुझे ये विद्या सिखाई। वो 200 साल के थे। ओहो, 200 साल? और वो कुछ भी खाते पीते नहीं है, बस सिर्फ अपने पॉइंट दबा दबा कर ही अब तक जिंदा है। तो फिर जल्दी टप्पू के पापा का इलाज करो ना। लाओ लाओ जीजा जी, आपका पैर मुझे दे दो। मुझे कुछ नहीं भाई, नहीं बराबर है, मुझे कुछ नहीं करना, तुम रहने दो भाई। अरे नहीं नहीं जीजा जी, मुझे आता है, एकदम बढ़िया कर देता हूँ, बाबा जी ने मुझे बढ़िया सिखाया। लाओ अभी कर देता हूँ जीजा जी, कुछ कैसा लग रहा है? हो गया ना? अच्छा अच्छा, थैंक यू। अब तुम आराम से बैठो, तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। तो बेना उसमें थोड़ा नींबू निचोड़ देना, थोड़ी शक्कर डाल देना और थोड़ा नमक डाल देना। वही तुम नींबू पानी की तो बात नहीं कर रहे हो? तुम बात बेना, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। कैसा समझ गई मेरी बहन? देखा तुम बैठो, मैं नींबू पानी लेकर आती हूँ। अच्छा बेना। क्यों जीजा जी, कैसा लग रहा है? वो छोड़, ये बता इस बार कितने दिन का प्रोग्राम है तेरा? बेटिया घर आए मेहमान को ऐसा नहीं पूछते। अरे पूछने दीजिए ना बाबूजी, वैसे भी मैं थोड़ी कोई मेहमान हूँ। और जीजा जी का बोला हुआ कुछ भी मुझे बुरा लगता ही नहीं है। जीजा जी मेरा 10 दिन का प्रोग्राम है। अरे चिंता मत करो, सिर्फ 2 घंटे के लिए मैं मुंबई आया हूँ। अभी यहाँ से फ्लाइट पकड़ के सीधा बेंगलोर 10 दिन के लिए। टिकट ले लिया बेंगलोर की? हाँ दिखाओ। ऑन द वे। अरे ये जीजा जी। अरे जीजा जी, अहमदाबाद से ज्यादा मेरे मुंबई में कांटेक्ट है। अरे मुंबई में पैर रखते ही मेरा चाहक लोग मेरा काम करना शुरू कर देते हैं, और बाबूजी वो भी अपना काम छोड़कर। पता नहीं इसके बेंगलोर के टिकट के लिए कौन सा बकरा बलि चढ़ा है। अरे हाँ जीजा जी, आपके लिए मैं एक बढ़िया सी गिफ्ट लाया हूँ, आप एकदम खुश हो जाओगे। आपको कैसे भूल सकता हूँ माय डियर जीजा जी। साहब, हाँ, टैक्सी का पैसा नहीं दिया। अरे सॉरी सॉरी, आपको तो मैं भूल ही गया था। जीजा जी आपके पास 1000 का छुट्टा है क्या? है बाबूजी के मेरे पास सब 1000 की नोट है, और इस बेचारे को डर है कि नोट कहीं नकली ना निकले। तो उसका डर सही है भाई। जेठा दे दे। कितना हुआ भाई? 180। लाओ ये लो। अरे भाई रहने दो, नहीं चाहिए 20 रुपये, रख लो रख लो। थैंक यू, वेलकम। बेचारा गरीब इंसान है, थोड़ा वेटिंग चार्ज दे देने का है। अरे जीजा जी आपके लिए तो एकदम बढ़िया गिफ्ट लाया हूँ, एकदम मस्त शर्ट लेके आया हूँ। ये देखो कितना बढ़िया शर्ट है। बच्चू भाई रेडीमेड वाला के वहां से लाया हूँ, स्पेशल शर्ट है, खास आपके लिए बनवाया है। दुनिया में आपको ऐसा दूसरा शर्ट देखने को नहीं मिलेगा। पैसे दिए या बाकी है? अच्छा है वीरा, ये लो नींबू पानी। लाओ बेना। अरे वीरा, ये तो वही शर्ट है ना जो तुम्हें बहुत बड़ा हो रहा था। कहा
भाई तुम ये अपने जीजा जी के लिए तो नहीं लाए? अरे ये शर्ट तो मुझे बहुत पसंद है। अरे ये शर्ट आपको इतना जचेगा कि बात मत पूछो। थैंक यू मीरा। अरे बेना, मैं तुम्हारे लिए भी एक बढ़िया गिफ्ट लाया हूँ। हाँ? ये बांधनी वाली साड़ी। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है पप्पू जी। टप्पू के पापा देखिए। थैंक यू मीरा, लेकिन सॉरी मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेना भूल ही गई। अरे दया भाई, बीच के दिन भाई बहन के लिए गिफ्ट लाता है, बहन भाई के लिए नहीं लाती है। चलो अभी मुझे दुकान जाने के लिए देर हो रही है, तो जल्दी खाना लगा भाई। हाँ बापू जी, आप दवा ले लीजिए, तब तक मैं खाना लगाती हूँ। ठीक है। हाँ। ए बेना, ये देखो तुम सब लोगों के लिए मैं भरूच की खारी सींग लाया हूँ। ये देख, ये रोशन भाभी के लिए, ये माधवी भाभी के लिए, ये कोमल भाभी के लिए, ये बबीता बहन के लिए, और ये है और ये अपने घर के लिए रख ले। सबको कह देना उनके सुंदर भैया लेकर आए। थैंक यू बेटा। सेठ जी, नटू काका आ गया। अरे लेकिन क्यों आए? एक तीर तीन निशान। क्या मतलब के एक धक्का तीन काम? क्या बोल रहे हैं आप नटू काका? शांति रखिए सेठ जी, मैं आपको समझाता हूँ। पहला काम आपको रेड चेरी 8400 मोबाइल पहुंचा। अरे ये आप मगन के साथ भी भिजवा सकते थे ना, दुकान छोड़ के आपको यहाँ आने की क्या जरूरत थी? अरे सेठ जी, इतना महंगा फोन मगन खो डालता तो। दूसरा काम, आज भाई दूज के कारण हमारा पद्मावती भोजनालय बंद है, तो मैंने सोचा कि सेठ जी के घर जाता हूँ तो लगे हाथ सेठानी जी के हाथ की रसोई भी खा लूंगा। और तीसरा महत्व का आखिरी काम, सुंदर सेठ के लिए बेंगलोर की टिकट। थैंक यू नटू काका, माय प्लेजर। ये बेंगलोर की टिकट का बकरा तो मैं ही निकला। माय डियर जीजाजी, मैंने बोला था ना ऑन द वे है, देखो आ गए। नटू काका, ये बेंगलोर की टिकट का खर्चा आपने किसको पूछ के किया? भूल गए सेठ जी, सवेरे ही तो आपने मुझे फोन पे कहा था कि नटू काका हर बार पैसे नहीं देखे जाते, रिलेशन भी कोई चीज है कि नहीं? चलिए चलिए। अरे नटू काका, आपको भाई अभी आया सेठानी जी। अरे सही वक्त पर आए हैं, चलिए आए हैं तो खाना खाकर ही जाइए। खाने के लिए ही तो आया हूँ। तो चलिए बैठ जाइए। अरे वाह जीजाजी, एकदम मस्त कॉम्पैक्ट मोबाइल है ये तो, देखो फटाक से जेब में भी आ जाता है। भाई ये किसी और का है, तू कहाँ जेब में डाल रहा है? बिना पूछे क्या सील पैक बॉक्स खोल दिया तूने? अरे अब जीजा साला, बाद में बात करना, पहले खाना। बस लीजिए, बापूजी भी आ गए, बैठ जाइए बापूजी। आइए बापूजी। अरे लड्डू कब आया तू? अभी आया बापूजी। हाँ मेरा बासुंदी बनाई है कि नहीं? हाँ मगन। तो लालवानी साहब का काम करो, वो गोडाउन में एसी बेसी चालू करके बेटा, तब तक मैं नटू काका आते हैं। अरे दया जल्दी खाना ला। अरे जीजा जी कुछ भी कहो, फोन मतलब फोन है, कमाल का फोन है। ऐसा फोन अपने पास हो ना, मजा आ जाए। दया। अरे हाँ आई आई। बाबू जी एकदम अच्छे बने हैं। मेरा बहुत बढ़िया बना है खाना। नटू काका जरा जल्दी खाइए। हाँ जल्दी जल्दी। अरे दया। हाँ। चलो मैं जा रहा हूँ। हाँ हाँ। चलो बाबूजी मैं दुकान जा रहा हूँ। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाँ ठीक है, जय जिनेन्द्र। चलो चलो नटू काका चलो। अरे वीरा ठीक से खाया ना?
खाया मतलब इतना खाया कि अब थोड़ी देर सो जाना पड़ेगा। तो फिर सो जा। बस मैं अभी पहुंचता हूँ, जेठा भाई की दुकान पे हूँ, निकल रहा हूँ। अरे सॉरी हाँ लालवानी साहब, वो क्या आज भाई भी है ना, तो साला आया अहमदाबाद से, तो बापू जी ने बोला कि घर पे खाना खा के निकलो। सॉरी आपको ज्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ा? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। बोले बोले, माल की डिलीवरी किधर करनी है? ये दो जगह पर माल की डिलीवरी करनी। अच्छा, और ये रहा आपका एडवांस चेक। अरे अरे लालवानी सेठ, आपको एडवांस चेक देने की क्या जरूरत है? माल मिल जाने के बाद देते थे तो भी चलता था। ठीक है, मैं डिलीवरी के बाद दे देता हूँ। अरे नटो काका, आती हुई लक्ष्मी को ठुकराते हैं तो लक्ष्मी जी नाराज हो जाती है। और वैसे भी पैसे आपके अकाउंट में पड़े रहे या मेरे अकाउंट में पड़े रहे, बात तो है कि है ना? बरोबर बरोबर। नटो काका तो ठंडा बोलना। क्यों, आप नहीं पियेंगे? नहीं नट्टू काका, मैं भी नहीं पीऊंगा। भाई जेठा भाई, मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है, हाँ चलता हूँ। फिक्र मत करना, माल पहुंच जाएगा। जी 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 हाँ। जी अभी दो ठंडा मंगवाऊं? ऐसे छोटी छोटी बातें आप मुझसे पूछते हो, तो जब सुंदर के फ्लाइट की टिकट अपना खरीदे तो वो मुझे पूछना जरूरी नहीं समझा आपने? ठीक है, ठंडा नहीं मंगवाता हूँ बस। भगवान, अगर आपको मेरे ऊपर इतना ही गुस्सा था तो 3-4 पत्थर फेंक के मारते, तो नटू काका मेरे सर पे क्यों दे मारे? कुछ लोगों की कुंडली में अच्छे ग्रह होते ही नहीं, परमानेंट बुरे ग्रह होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हमारे जेठालाल की कुंडली में सुंदर नाम का ग्रह है, आप रिक्शा में बैठे तो मीटर डाउन तुरंत हो जाता है, वैसे ही जेठालाल की जिंदगी में जैसे ही सुंदर आता है नुकसान का मीटर डाउन हो जाता है। देखिए ना, बैंगलोर के टिकट का चूना लग गया आते ही, और अभी तो सुंदर 2 घंटे और रुकने वाले हैं। देखिए आगे क्या क्या होल खिलाते हैं, और ऊपर से हमारे नटुका का भी है। अब जब ये दो दीवाने मिल के कुछ होल खिलाएंगे तो आपके घरों में हंसी के फूल खिलेंगे, ठहाके उगेंगे। हमारे साथ ठहाके लगाते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.